ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सालों साल से डिबेट चल रहा है और लोग दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं। ग्रुप नंबर वन जो बोलते हैं कि ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग, ये सट्टाबाजी है। ग्रुप नंबर टू जो बोलते हैं कि ये ट्रेडिंग एक प्रॉपर प्रोफेशनल बिजनेस है। और यूजुअली जो ग्रुप नंबर टू के लोग होते हैं ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स, सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल स्किल्ड लोग होते हैं जो बता बता कर लोगों को थक चुके हैं कि ट्रेडिंग को गैम्बलिंग जैसे मत देखो। लोगों को फाइनली थोड़ा अवेयरनेस आ रहा था कि ये ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग ये सब होता क्या है। बट तभी ही एक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म ने ही पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ कोटक नियो ट्रेडिंग ऐप की। ये कोटक नियो ट्रेडिंग का तो आपने एड ऑलमोस्ट हर वीडियो के पहले देख लिया होगा। आजकल तो शॉर्ट के फीड में भी आ जाता है, एवरी थर्ड फोर्थ वीडियो इज दैट एड। सो बिफोर वी डिग डीपर, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ बैठकर ये एड पहले देखो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आउट 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 प्लीज, अभी मत गिर गुरु। यस ओ तेरी, क्या पीट रहा है यार। सिक्स मोर, कैच इट, भाग भाग और भाग। नो यस ब्रो, हु आर यू सपोर्टिंग? आई एम नियो ट्रेडिंग बेबी। अब मुझे एक बात बताओ, ये वीडियो में और ये वीडियो में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं, देखने से तो कुछ भी नहीं लग रहा है। ये भी चेयर कर रहे हैं, ये भी चेयर कर रहा है, ये भी इमोशनली अनस्टेबल है, ये भी इमोशनली अनस्टेबल है। दोनों चाहते हैं कि अपना कोई तो एक पर्टिकुलर बेट है, उन्होंने जो लगाया है वो जीत जाए। लेकिन देयर इज वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एक है जो प्रमोट कर रहा है ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट और दूसरा जो है वो एक क्लिप है जिसमें हॉर्स रेसिंग के ऊपर बेट करने वाले लोगों का रिएक्शन दिखाया गया है। ये लोगों ने घोड़े पर पैसा लगाया और उनका घोड़ा शायद से जीत रहा है, शायद से पीछे आ रहा है, तो उसके लिए वो लोग चीयर कर रहे हैं सो दैट दे डोंट लूज मनी और उनका सट्टे का वो लोग पैसा जीत जाए। सो अकॉर्डिंग टू कोटक नियो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बेटिंग ऑन अ हॉर्स वर्सेस ट्रेडिंग, दोनों में कोई फर्क नहीं है। And this is not just it. There is another one I want you to watch. Yele, tu bile, superb, yes. Chal yaar, aur thoda upar, makkan. Headshot, noob. Just 20 more points. Yes, what a killing. Hey bro, combat trading? Nah, neo trading. So now this time, according to Kotak Neo, पबजी खेलने में, काउंटर स्ट्राइक खेलने में या ट्रेडिंग करने में, जहां पे आप बड़े बड़े कंपनीज के शेयर्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो असली पैसा लगा के, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो सुनकर आपका वो आपके होश उड़ जाएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको रियलाइज होगा कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है आपकी जिंदगी में, आपके जिंदगी के साथ। सेबी, उसका नाम तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। सेबी बेसिकली एक गवर्निंग बॉडी है हमारे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स की। इनका काम बेसिकली ये है कि इनको रूल्स रेगुलेशंस निकालने हैं, मार्केट एक्टिविटीज मॉनिटर करने होते हैं, एक्स वाई जेड। तो रिसेंटली सेबी ने ऐसे रूल्स निकाले हैं, ऐसे बैरियर्स लाए हैं स्टॉक मार्केट में, जिसके वजह से नए ट्रेडर्स या वो ट्रेडर्स जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है वो ना आ पाए। और इसका रीजनिंग वो लोगों ने ये दिया है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ ज्यादा ही अमाउंट में लोग आ चुके हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही वॉल्यूम में ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम उनमें से 80-90% लोग लॉस में है, ये लोग प्रॉफिट नहीं कमा रहे। तो एक जगह से एक गवर्निंग बॉडी बोल रही है कि भाई बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस कर रहे हैं, तो आप प्लीज दूर रहो। एंड ऑन द अदर साइड ये ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स, इवन द गवर्नमेंट देमसेल्व्स, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टीवी पे, हर जगह पर इतना प्रमोट कर रहे हैं ट्रेडिंग कि आप आओ मार्केट में, पैसा लगाओ। आप अगर मार्केट में नहीं आओगे तो आप मिस कर रहे हो कितने बड़े अपॉर्चुनिटी पे, आप कितने कमा सकते हो। जो फोमो जिसको बोलते हैं, इंसान को डरा देते हैं कि देखो देखो सब लोग ट्रेड कर रहे हैं, सब लोग कमा रहे, तुम कब कमाओगे, तुम अपने सेविंग्स कब लगाओगे। तो एक जगह से लोगों को बोल रहे हैं कि आओ, भर भर के आओ, और एक जगह से लोगों को बोल रहे हो तुम्हारी माँ का भागो। अगर आपने ध्यान दिया ये पैटर्न पर तो आपको रियलाइज होगा ना गवर्निंग बॉडी आपकी परवाह करती है, ना ये ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स आपकी परवाह करते हैं, इनको बस एक ही चीज से मतलब है, वो है खुद का फायदा। गवर्निंग बॉडी टैक्सेस में करोड़ों अरबों रुपए लेके जाती है, ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स अपना ब्रोकरेज से अरबों करोड़ों लेके चले जाते हैं, एंड में रोते बैठते हो आप।
आपके पैसे भी गए, आपका टाइम भी गया, आपका मेंटल हेल्थ भी खराब हो गया, आपके सेविंग्स भी उड़ चुके हैं। हमको एडुकेशन की जरूरत है, हमको अवेयरनेस की जरूरत है, लेकिन जैसे कोई जेन्युइनली अवेयर करने की कोशिश करता है लोगों को, जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो बुक्स वगैरह लिखे हैं, जो पॉडकास्ट करते हैं, वो अब बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि स्टॉक मार्केट एक प्रॉपर बिजनेस है, ये सट्टा बाजार नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है, वैसे ही ये कोटक नहीं हो जैसे आप साथ जाते हैं और आपको बताते हैं कि नहीं 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 ये बिजनेस नहीं है, ये गैम्बलिंग ही है। आप पैसा लगाओ, आप चिल्लाओ, आप नाचो, आप ये तीन मो टेन मो टेन मो करो, आप पैसे कमा के चले जाओगे। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, यू कैनॉट बी इमोशनल। आप जब ट्रेड करते हो ना, आपको लिटरली एक रोबोट बनना पड़ता है, आपको साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ती है, आप इमोशनल नहीं हो सकते हो। गुस्सा, एक्साइटमेंट, खुशी, रेज, ग्रीड, ये सब लेके आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका नुकसान होने ही होने वाला है। यहाँ पर आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है, आपको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, जर्नलिंग करनी पड़ती है। ये गेम नहीं है यार, ये पबजी नहीं है कि साला डाउनलोड कर लिया, खेल लिया, 10 लोगों को मारा, चलो दिन खत्म, ऐसा नहीं होता है। अगर इसको आपको गेम बुलाना है तो ऐसा समझ के चलो कि ये वैसा गेम है, आपने एक बार खेलना शुरू किया, चांसेस है आपका पूरा जिंदगी सब दांव पर लग जाएगा, आपका लाइफ सेविंग्स आप रस्ते पर आ सकते हो, ये ऐसा गेम है। एंड ये तो चलते रहेगा, ये लोग ये रोकने नहीं वाले, उनको चाहिए कि आप आओ, आप पैसा दो, आप नुकसान करो ताकि इनके पेड़ भर पाए। तो आप एक ही चीज कर सकते हो, वो है कोई भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म यूज करो, आई डोंट केयर इफ इट्स कोटक नियो, इफ इट्स ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एक्सवाईज़ेड, व्हाटएवर, बट ये जो चीज करके आपको बुला रहे हैं, जो चीज बता के आपको बुला रहे हैं, उस पर मत जाओ, ये कंप्लीट स्कैम है, ये कंप्लीट झूठ है, ये लोगों को बस पागल बना रहे हैं साले मिलके, ये खत्म नहीं होने वाला बॉस, ये लोग का तो काम ही है आपको पागल बना के पैसे लेना। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके सर पर है, आपके हाथ में है कि पैसा कैसे लगाना है, कितना लगाना है और क्यों लगाना है। दैट्स इट फॉर टुडे। काफी दिनों का मेरा ये तमन्ना ख्वाहिश, काफी दिन से मेरा प्लान था इस टॉपिक पर वीडियो बनाना, मैंने आज फाइनली बना दिया है। होपफुली यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, दैट्स ऑल आई नीड। आई विल सी यू सून, टेक केयर, बी सेफ, खुद का नुकसान मत करो, खुद को प्लीज एडुकेट करो, दुनिया इतनी मासूम नहीं है जितने आप हो। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ, पीस।